नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास होगा किसी फ्लूइड की प्रॉपर्टीज हम लोग स्टडी कैसे करते हैं। स्टडी करने का मतलब उसको या तो आप कंटिन्यूअस मानोगे या तो डिसकंटिन्यूअस मानोगे। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि हर जगह पे पूरे वॉल्यूम में मॉलिक्यूल ही मॉलिक्यूल है। अगर आप उसको कंटिन्यूअस मान रहे हैं किसी भी फ्लूइड को, तो अगर हर जगह पे मॉलिक्यूल ही मॉलिक्यूल है इसका मतलब कंटिन्यूअस है। तो अगर हम उसको कंटिन्यूअस मान के स्टडी करेंगे तो एक दूसरा मेथड होता है, अगर उसको हम डिसकंटिन्यूअस मान के चलेंगे तो दूसरा मेथड होता है। तो दो चीज़ें यहाँ पे आएंगी आप देखोगे। सबसे पहले आपका आएगा माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है एज ए होल स्टडी। एज ए होल मतलब पूरा एक मान के चलते हैं। अगर एक गिलास पानी हमने लिया तो पूरा गिलास पानी कंटिन्यूअस होगा और पूरे गिलास के पानी के ऊपर हम फोकस करेंगे। उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो रहा है उससे हमें मतलब नहीं है। ऊपर से देखने में एज ए ओवरऑल उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसका प्रेशर कितना है, ये जब हम स्टडी करेंगे तो माइक्रोस्कोपिक होगा। मतलब ऊपर से हम जो है जो हमें दिख रहा है एज ए होल स्टडी करते हैं। इसके बाद दूसरा आपका क्या होगा माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक का मतलब अगर हम जूम करते जाएं, उसी वाटर को जूम करते जाएंगे तो एक ऐसा लेवल आएगा जहां पे एटम एटम आपको दिखने लगे, तो बीच बीच में स्पेस होगा। तो अगर हम एटम वाइज स्टडी करते हैं कि हमारा एटम कैसे मूव कर रहा है, उसकी मोशन कैसे है, तो हमारा क्या होगा माइक्रोस्कोपिक होगा। तो थोड़ी सी इसकी डिफिनेशंस पे आते हैं। जब आप माइक्रोस्कोपिक की बात करोगे तो उसमें मटेरियल कंटिन्यूअस होता है और एज ए होल स्टडी किया जाता है। माइक्रोस्कोपिक में मटेरियल जो है डिसकंटिन्यूअस, मतलब बीच बीच में स्पेस है। जूम करके हम इतने लेवल पे पहुंच गए हैं कि आपको एटम दिख रहा है और खाली स्पेस भी दिख रहा है। तो क्या होगा उस टाइम पे हम मॉलिक्यूलर लेवल की स्टडी करते हैं। टोटल प्रॉपर्टीज मतलब ओवरऑल जो प्रॉपर्टीज होंगी माइक्रोस्कोपिक में हम उसको स्टडी करते हैं। और जब हम मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल एक एक एटम हमारा कैसे मूव कर रहा है उस पर डिस्कस करते हैं, तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी होता है। ठीक है, तो ये कैसे समझ में आएगा, इसको प्रॉपरली समझने के लिए हम लोग देखते हैं। ये वॉल्यूम है हमारे पास। अगर हमारे पास मटेरियल कंटिन्यूअस होगा, अगर कंटिन्यूअस होता यहां भी एटम भरा होता हर जगह पे, यहां से लेके यहां तक अगर पूरा एटम एटम भरा होता, अगर पूरा एटम फिल होता तो आप यहां पे वॉल्यूम लो या यहां पे वॉल्यूम लो, सेम प्रॉपर्टीज रहती। लेकिन अभी इस कंडीशन में जो हम देख रहे हैं, अगर आप यहां पे वॉल्यूम लेंगे तो इतना खाली स्पेस है और ये भरा हुआ है, लेकिन अगर सेम वॉल्यूम आप यहां पे लेंगे तो पूरा खाली है। इसका मतलब प्रॉपर्टीज जगह जगह पे वैरी कर रही हैं। तो मटेरियल अगर कंटिन्यूअस है तो वो दूसरी तरह से होगा, अगर मटेरियल हमारा डिसकंटिन्यूअस है तो वो क्या होगा, वो दूसरी तरह से होगा। तो जैसे देखिए हमको प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। लेकिन आपने कैलकुलस में स्टडी किया होगा कि अगर ये प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया है, अगर ऊपर जीरो हो जाए नीचे भी जीरो हो जाए, जीरो बाई जीरो फॉर्म, तो आपने कैलकुलस में देखा होगा ये क्या होता है, इनवैलिड कंडीशन होती है। मतलब इस पर हम स्टडी नहीं करते हैं, ये इनवैलिड होगा, इनवैलिड कंडीशन आ जाएगी। या अगर ये जीरो बाई जीरो हो जाए, सॉरी पी बाई नीचे, जो नीचे जीरो है, तो ये भी इनफाइनाइट जैसा हो जाएगा, तो ये भी क्या होता है, ये भी इनवैलिड होता है। इनवैलिड मतलब स्टडी करोगे तो इनफाइनाइट प्रेशर हो जाएगा, तो उसमें तो कोई स्टडी करने का कोई चांस ही नहीं है। सिमिलर केस में वॉल्यूम के लिए, अगर जीरो बाई जीरो हुआ, तो अगर हम बड़े लेवल पे बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे आप देखोगे अगर मटेरियल हमारा कंटिन्यूअस है तो नीचे वॉल्यूम में अगर आप बात करो तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो अगर आप यहाँ खाली स्पेस में लोगे, अगर हम यहाँ खाली स्पेस में लें तो यहाँ पे तो मास जीरो हो जाएगा, वॉल्यूम जो है वॉल्यूम भी क्या होगा, वॉल्यूम भी यहाँ पे कंसिडरेबल नहीं, एटम ही नहीं है, कोई एटम ही नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि हमारे पास दो कंडीशंस आ गई, या तो मटेरियल हमारा कंटिन्यूअस होगा, अगर हमारा मटेरियल कंटिन्यूअस है
मटेरियल हमारा कंटिन्यूअस है तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे तो उसमें मॉलिक्यूल्स के लेवल पे नहीं जाएंगे और मटेरियल हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अगर मॉलिक्यूल लेवल पे जाएंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, माइक्रोस्कोपिक होगा और उसमें मॉलिक्यूल लेवल पे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आएंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर जो है एरिया जीरो हुआ या वॉल्यूम जीरो हुआ तो ये डेंसिटी और इन दोनों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें कंटिन्यूअस रखना है तो एक हमें देखना पड़ेगा कब मटेरियल हमारा कंटिन्यूअस है और कब मटेरियल हमारा डिसकंटिन्यूअस है। तो उसके लिए एक लिमिट होती है, उसके लिए एक फार्मूला डिज़ाइन किया गया है, उसी को हम लिमिट ऑफ कंटिन्यूटी बोला जाता है। तो जब भी क्या होगा, कोई मटेरियल हम कब तक कंसीडर कर सकते हैं, लिमिट अप टू व्हेन वी कैन कंसीडर द मटेरियल टू बी कंटिन्यूअस इज कॉल्ड लिमिट ऑफ कंटिन्यूटी और उसी को हम कंटिन्यूम बोलते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम में जब हम बात करेंगे तो क्या होगा, जैसे देखिए ये हमारे पास एक है, एक ये एरिया है, इसमें जो है क्या है, एटम एटम आपको दिख रहे हैं, कहीं पे खाली स्पेस नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो सारे एटम एटम दिख रहे हैं, आपको कोई भी खाली स्पेस नहीं दिख रहा है। तो ये क्या होगा हमारा, ये कंटिन्यूअस होगा, इसको हम कंटिन्यूअस मान के चलते हैं। इसके बाद इसको अगर हम जूम करें, जब हम थोड़ा सा जूम करेंगे तो ये आएगा, तो इस लेवल तक हम उसको कंटिन्यूअस मान सकते हैं। अगर और जूम करें, इतना ज़्यादा जूम कर दिया तो अब यहाँ बीच में आप देखोगे बहुत ज़्यादा खाली स्पेस हो गया, तो अब कंटिन्यूअस नहीं रह गया। तो तीन कंडीशंस होते हैं, जितना जितना हम जूम करते जाएंगे वैसे वैसे हमारी क्या होगी, कंटिन्यूटी कम होती जाएगी। तो हम किसी मटेरियल को कब तक कंटिन्यूअस मान सकते हैं, वो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम होता है। एक लिमिट होती है जिसके ऊपर हम अगर उससे ज़्यादा जूम करेंगे तो क्या होगा, मटेरियल हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, तो वो लिमिट की हम बात करते हैं। तो देखिए लिमिट कैसे डिसाइड की जाती है, उसके लिए एक हमारे पास होता है न्यूडसन नंबर, न्यूडसन नंबर के जो होता है इसका क्या होगा, साइलेंट होता है। तो अगर हम न्यूडसन नंबर की बात करें तो न्यूडसन नंबर में दो चीज़ें होती हैं, एक लेमडा होता है और एक यल होता है। तो जो मॉलिक्यूल हमारा मूव कर रहा होगा, अगर गैस के मॉलिक्यूल है तो जगह जगह भी मूव करते रहेंगे, तो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस होती है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुछ और डिस्टेंस होगी और यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुछ और डिस्टेंस होगी और यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुछ और डिस्टेंस होगी। इसका मतलब क्या है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स की अलग अलग डिस्टेंसेज होती हैं। तो ये जो लेमडा है ये क्या है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स है। तो लेमडा हमने क्या किया है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल। और ये जो यल होता है, यल हमारा क्या है, करेक्टरिस्टिक लेंथ है। जो हमारा वॉल्यूम है वो हो सकता है क्यूबिक हो, सर्कुलर होगा तो वहाँ पे रेडियस आ जाएगा। तो लेमडा की जगह पे क्या हो, एल की जगह पे क्या हो सकता है, अगर सर्कुलर है तो आर हो जाएगा, ठीक है, अगर सिलेंड्रिकल है तो आर एंड एल हो जाएगा। तो जो ये करेक्टरिस्टिक लेंथ होती है ये बताता है आपका कितना दूर में हम स्टडी कर रहे हैं। तो ये जो यल है ये पूरा कंटेनर की लेंथ जैसा बताएगा और ये जो लेमडा है ये क्या है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम न्यूडसन नंबर बोलते हैं, न्यूडसन नंबर, के साइलेंट है इसका। तो न्यूडसन नंबर आएगा तो एल जितना बड़ा होता जाएगा उतना हमारा न्यूडसन नंबर छोटा होता जाएगा। इसका मतलब सेम मॉलिक्यूल के साथ में अगर हम करेक्टरिस्टिक लेंथ, मतलब जैसे वॉल्यूम है या रेडियस है, बढ़ाते चले जाएं तो दूर में अगर फैलाओगे तो क्या होगा, न्यूडसन नंबर हमारा, जब नीचे वाला एल हमारा बड़ा होता जाएगा तो अगर लेमडा सेम रहे तो क्या होगा, न्यूडसन नंबर हमारी अफेक्ट होगी। तो न्यूडसन नंबर के बेसिस पे हम सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं कि कब हमारा कंटिन्यूअस होगा और कब हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक लेंथ उनके बेस पे आएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी क्या लिमिट होती है। यहाँ पे आप देखोगे अगर न्यूडसन नंबर 0.001 से कम है, न्यूडसन नंबर कम होने का मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, अगर डिस्टेंस कम है इसका मतलब वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। इसका मतलब जो होगा वो कंटिन्यूटी हम मान सकते हैं। अगर लेमडा इससे ज़्यादा है, लेमडा बाई एल न्यूडसन नंबर जो है के एन, उससे के एन से डिनोट करते हैं, अगर ये 0.01 से कम है
इसका मतलब स्पेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम है, तो उसको हम कंटिन्यूस मान के चलते हैं। अगर जो है न्यूटन नंबर इससे ज़्यादा बढ़ गई, 0.001 से ज़्यादा और 0.1 के बीच में रह गई, तो उस टाइम पे जो है क्या होगा, जो है कंटिन्यूस तो होगा लेकिन वो स्लिप फ्लो करेगा। स्लिप फ्लो का मतलब, अभी जब हम लोग शियर स्ट्रेस पढ़ रहे थे तो मैंने उसमें दिखाया था नीचे जो सरफेस पे रहेगा वो मॉलिक्यूल उसके साथ चिपक जाता है, मूव नहीं करता है। लेकिन जब न्यूटन नंबर 0.001 से लेकर के 0.1 के बीच में रहेगी, तब क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्टिक नहीं करेंगे। लेकिन अगर न्यूटन नंबर यहाँ से यहाँ तक रहेगी तो ये क्या होगा, हमारा सरफेस पे हमारा जो एटम होगा वो स्टिक करेगा, ये सरफेस पे स्टिक कर जाएगा, और ये क्या होगा, सरफेस पे स्लिप करेगा। लेयर बाय लेयर स्लिप तो लिक्विड के अंदर में तो होगी ही होगी, लेकिन जो सरफेस होती है अगर कंटिन्यूस मटेरियल है तो वो स्लिप नहीं करेगा, लेकिन अगर न्यूटन नंबर दूसरे वाले रेंज में आ जाएगा तो क्या करेगा, वो स्लिप करेगा। इसके अलावा एक तीसरी कंडीशन आती है जिसमें न्यूटन नंबर 0.1 से लेकर के 10 के बीच में होती है, तो इसमें क्या होगा, हमारा ट्रांजिशन होता है, इसका मतलब कंटिन्यूस भी कह सकते हो नॉन कंटिन्यूस भी कह सकते हो, हमको एवरेज निकाल के चलना पड़ता है, और ये क्या होगा, इसको हम बोला जाता है ट्रांजिशन फ्लो। ट्रांजिशन फ्लो का मतलब मूव करेगा, कंटिन्यू भी होगा डिसकंटिन्यू भी होगा, यहाँ तक तो ये तो कंटिन्यूस है, और इसको कंटिन्यूस से डिसकंटिन्यूस होने में, ये इस रेंज में कंटिन्यूस से डिसकंटिन्यूस होने लगता है, ये ट्रांजिशन फेज है, मतलब कंटिन्यूस से डिसकंटिन्यूस होने लगेगा। लेकिन अगर न्यूटन नंबर 10 से ज़्यादा है तो फ्री मॉलिक्यूलर फ्लो होगा, इसका मतलब मॉलिक्यूल एक दूसरे से गैस की तरह से बिहेव करेंगे, तो वो मटेरियल हमारा क्या हो गया, गैस हो गई, और उसको हम डिसकंटिन्यूस मान के चलते हैं। तो जो हमारी कंटिन्यूटी की रेंज हुई, इसका मतलब लिमिट ऑफ कंटिन्यूटी कहाँ तक हम मान के चलेंगे, जब तक हमारा न्यूटन नंबर 0.001 है। तो यहाँ पे जो हम फ्लूइड मैकेनिक्स का स्टडी करेंगे, हम जो है फ्लूइड मैकेनिक्स का स्टडी इस रेंज में करेंगे, हम फ्लूइड को अपने कंटिन्यू मान के चलेंगे। तो हमारा जो FM में हम जो लोग जो भी स्टडी करेंगे, ये हम किस में करेंगे, अंडर द लिमिट ऑफ कंटिन्यूटी। तो जब भी आप बात करोगे तो ये आप मान के चलते हो कि आपका फ्लूइड जो है कंटिन्यूस है। तो आगे आते हैं अगले टॉपिक पे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो बताता है हमारा आइडियल फ्लूइड्स क्या होते हैं और रियल फ्लूइड्स क्या होते हैं। एक्चुअल में जो फ्लूइड्स होते हैं उनके अंदर में विस्कोसिटी भी होती है, और जब उसको प्रेशराइज करते हो तो वो कंप्रेस भी होता है, तो ये दोनों चीज़ें होंगी, कंप्रेसिबिलिटी भी होगी इसमें और विस्कोसिटी भी होगी। तो जो आइडियल फ्लूइड होता है, इसके डिटेल में अभी टाइप्स ऑफ फ्लूइड हम आगे जब हम विस्कोसिटी पढ़ लेंगे तो उसके बाद चलेंगे, अभी हम केवल ये दो चीज़ें देखते हैं कि हमारा आइडियल फ्लूइड क्या है और रियल फ्लूइड क्या है। एक्चुअली क्या होता है, आइडियल फ्लूइड एक कॉन्सेप्ट है, जैसे आइडियल गैस होती है वैसे ही आइडियल फ्लूइड होता है। तो अगर आप कंप्रेस करो और वो उसमें कंप्रेशन ना आए तो फ्लूइड आइडियल होगा और उसमें विस्कोसिटी भी जीरो हो। इसका मतलब इनविसिड और इनकम्प्रेसिबल दोनों चीज़ें होनी हैं, उसको कंप्रेस ना कर पाओ और उसमें विस्कोसिटी भी ना हो, तो ये जो दोनों चीज़ें मिलती नहीं है। रियल फ्लूइड्स में क्या होता है कि विस्कोसिटी भी होगा और साथ के साथ कंप्रेस भी होगा, कंप्रेसिबिलिटी आप जीरो नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या करना पड़ेगा हमें, तो जो हमारा आइडियल एंड रियल फ्लूइड होगा, आइडियल फ्लूइड उसमें विस्कोसिटी नहीं होनी चाहिए, और उसमें जो है विस्कोसिटी के साथ साथ उसमें कंप्रेसिबिलिटी भी नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है तो आइडियल फ्लूइड होगा, रियल में ऐसा कोई फ्लूइड एग्जिस्ट नहीं करता है। जो रियल फ्लूइड होगा उसमें विस्कोसिटी भी होगी और उसमें थोड़ी सी कंप्रेसिबिलिटी भी होगी। लेकिन अगर हम बात करें लिक्विड्स की, तो लिक्विड्स जो होते हैं वो हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी उनकी बहुत कम होती है, कंप्रेस करोगे वो कंप्रेस नहीं होंगे, बहुत कम होगी, निग्लिजिबल होती है।
तो ऑलमोस्ट रियल कंसीडर करके चलते हैं। एक्चुअल में रियल तो एक कॉन्सेप्ट ही है, जो आइडियल फ्लूड है वो कॉन्सेप्ट ही है केवल, रियल में वो होता ही नहीं है। तो जो आइडियल फ्लूड, हम लिक्विड्स को हम आइडियल फ्लूड मान के चल सकते हैं, गैस तो हमारी कंप्रेस होती है तो एकदम से आइडियल नहीं है। तो ये समझ के हमें स्टडी करना पड़ेगा कि आइडियल जो है एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन लिक्विड्स को हम आइडियल कंसीडर करके चलते हैं। तो फ्लूड मैकेनिक्स में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, ये लिक्विड एंड गैस। और जो लिक्विड होगा वो हमारा लगभग, हम उसको नियरली टू आइडियल मान के चलते हैं, और इसी तरह से हम लिक्विड्स को यूज करते हैं। तो इन कॉन्सेप्ट्स के साथ ये हमारा आज का लेक्चर फिनिश होता है।